दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारा अनबॉक्सिंग प्लस गिव अवे वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं गिव अवे में, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वो स्मार्टफोन जीतने के। तो पार्टिसिपेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज हम बात करेंगे Xiaomi के लैपटॉप की, जो 11 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और उसका नाम होने वाला है MI नोटबुक 30। और अभी कुछ दिनों से ट्विटर पर भी बहुत सारे लीक्स आ रही थी, जो कि मनु कुमार जैन टीज कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने एक टीजर डाल दिया है जिसमें दिख रहा है कि MI का लैपटॉप आपको 11 जून को मिलने वाला है। सो आज हम बात करेंगे MI के इसी लैपटॉप के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, और इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को जोर से लाइक करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मेजर हाईलाइट की। तो ये Redmi Book 13 का ही रिब्रांडिंग होने वाला है, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और इस लैपटॉप का एक टीजर भी लॉन्च हो चुका है जिसमें इसके थिन बेजल्स दिख रहे हैं, जो कि इस प्राइस पर आपको इतने छोटे बेजल्स वाला लैपटॉप आपको मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो आपको इसमें 13.3 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलेंगी, जो 178 डिग्री व्यूइंग एंगल के साथ आएगी, और कंपनी ने इस डिस्प्ले को हॉरिजन डिस्प्ले का भी नाम दिया है, जो कि इसके थिन बेजल्स की वजह से। कंपनी इसे हाई एंड पर लॉन्च करने वाले है, जो कि ऑफिशियल वर्क और गेमिंग के लिए अच्छा है, और उन्होंने टीजर में ये भी कहा है कि ये अल्ट्रा लाइट अल्ट्रा थिन होने वाला है, जो कि गेमिंग और ऑफिशियल वर्क के लिए अच्छा है। और जितने भी लोग ये लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं जिनका बजट 35,000 से 40,000 है, तो वो इसका ख्याल छोड़ दे, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा होने वाली है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 और i7 मिलने वाला है, और ये दो वेरिएंट में आने वाला है, और इसमें आपको 8GB DDR4 और 520GB SSD कार्ड भी मिलेगा, और इसमें आपको GeForce MX250 ग्राफिक्स का भी मिलेगा, तो गेमर्स के लिए एक अच्छी बात है और PUBG लवर्स के लिए तो एक अच्छी बात है। और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 11 आवर की होने वाली है, और कंपनी का कहना ये भी है कि 35 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाएगी, तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, तो एक अच्छी बात है, और फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, तो इतने प्राइस सेगमेंट पर आपको इतना अच्छा लैपटॉप मिल रहा है, और इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल फीचर अच्छे हैं और अच्छे प्राइस पर आएंगे, ये अपन देखते हैं अभी कितने प्राइस पर आता है, लेकिन लीक्स ये है कि इसकी प्राइस आपको मिलने वाले 50,000 के ऊपर, और ये लैपटॉप 11 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो एक अच्छी बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बाजू में दिए गए वाले वीडियो में जाके वीडियो देखना और पार्टिसिपेट भी करना गिव अवे में। और तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।